आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो में अनीसा नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। अनीसा किस जुबान का लफ्ज़ है? अनीसा के माने क्या है? अनीसा नाम का मतलब क्या है? अनीसा में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? अनीसा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? अनीसा हिंदी में कैसे लिखा जाता है? अनीसा उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? अनीसा उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अनीसा अरबी जबान का लफ्ज़ है। अनीसा के माने और अनीसा नाम का मतलब है दोस्त, उन्स रखने वाली, मोहब्बत करने वाली, हमदम, हमदर्द, हमनशी। अनीसा में 5 हरूफ हैं, अलिफ, नून, ये, सीन, हे। ये इंग्लिश में अनीसा लिखा हुआ है, ये हिंदी में अनीसा लिखा हुआ है। अनीसा उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें अनीसा लिखना है तो सबसे पहले अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद नून को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद सीन को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में हे को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह अनीसा लिखा हुआ आ जाएगा। अनीसा लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर 3, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। अनीसा लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर 1, अलिफ। नंबर 2, नून। नंबर 3, ये। नंबर 4, सीन। नंबर 5, हे। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। नून, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये, आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। सीन, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। हे, ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं। जब हम इनको मिला के लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाएंगे और कुछ लेटर फुल लिखे जाते हैं। जैसे अलिफ, ये फुल लिखेंगे। नून, ये शॉर्ट लिखेंगे। ये शॉर्ट लिखेंगे। सीन, ये शॉर्ट लिखेंगे। हे, ये शॉर्ट लिखेंगे। तो एक मर्तबा इनको मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए, ये क्या लिखा? अलिफ। और ये क्या लिखा? नून। और ये क्या लिखा? ये। और ये क्या लिखा? सीन। और इसी में ये जोड़ दिया हे। ये क्या हो गया? अनीसा। कशिश वाले सीन से लिख के देखते हैं। ये क्या लिखा? अलिफ। और ये क्या लिखा? नून। और ये क्या लिखा? ये।
और इसी में ये जोड़ दिया सीन, और इसके बाद आखिर में जोड़ दिया हे, तो ये क्या हो गया अनीसा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करना न भूलें, और अपने ग्रुप दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।